हेलो गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम बेंगलुरु। आज हम लोग है घर पे। ब्लॉग बनाने के एक ही हम लोग का रीजन है, वो है राइट प्रिपरेशन का फाइनल स्टेज। तो ये ब्लॉग आप लोग जब देखोगे तब हम लोग रहेंगे राइट का बीच में। तो ये ब्लॉग के एंड में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं, क्या क्या सामान हम लोग हमारे साथ लेके जाने वाले हैं। तो चलो गाइस, ब्लॉग को फटाफट चालू करते हैं। सो अभी हम लोग राइट प्रिपरेशन के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं एंड इधर आप लोग देख सकते हो सब सामान इधर पड़ा है। एक एक करके हम लोग इसको पैक करेंगे। तो इधर सारा राइडिंग गियर्स इधर है। ये है हमारा राइडिंग जैकेट जो हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे थे एंड ये है रॉयल एनफील्ड का जैकेट। सो इस बार राइड में भी हम लोग सेम जैकेट यूज करने वाले हैं। ये है हमारा बीबीजी का राइडिंग पैंट जो हम लोग लास्ट टाइम राइड के पहले हम लोग खरीदे थे। ये पैंट को लेकर हम लोग काफी सारा राइड भी कर चुके हैं एंड दिस इज द प्रोटेक्शन लेवल इज क्वाइट गुड। इधर आप लोग देख सकते हो हमारा हेलमेट्स। ये है अभी का हेलमेट एंड ये है मेरा हेलमेट। मैं एसएमके का हेलमेट यूज करती हूँ एंड अभी यूज करता है एग्जॉर का हेलमेट जो हम लोग काफी दिनों से यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 साल के लगभग 2 साल हम लोग यूज कर चुके हैं। अभी हम लोग ये जो सारा लगेज देख सकते हो ये सब लगेज पैनियर्स के अंदर पैकिंग करेंगे हम लोग। ये जो पैनियर्स इस बार लेके जा रहे हैं ये है एक नया एडिशन। ये जो बैग है ये राइनोस का एक्सपीडिशन टेल बैग है जो हम लोग रिसेंटली परचेस किया है ओनली फॉर दिस राइड। सो ये वाला बैग हम लोग कैरी करने वाले हैं। ये डार्क सेक का क्रश बर्ड बैग है एंड ये दो बैग को हम लोग कैरी करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग काफी सारा सामान ऑलरेडी डाल चुके हैं एंड इसके अंदर आप लोग देख सकते हो और जगह बचा नहीं है। हमारा जो ड्रेस वगैरह है सब कुछ इसके अंदर है एंड इसके साथ साथ हम लोग ये सब ड्राई बैग्स आप लोग देख सकते हो। ये ड्राई बैग एंड ये ड्राई बैग हम लोग कैरी करने वाले हैं। ये जो ड्राई बैग देख रहे हो ये हम लोग काफी पहले खरीदे थे। ये है ओशन बैग का ड्राई बैग एंड दिस इज क्वाइट गुड। हम लोग एक्चुअली मॉनसून राइड किए थे ये दो बैग को लेके, मतलब काफी सारा 3-4 बैग हम लोग के पास है तो मॉनसून राइड हम लोग किए थे ये बैग के साथ एंड इट इज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। तो हम लोग ये बैग को भी इस बार लेके जा रहे हैं। तो इधर से पैकिंग चालू करेंगे। फर्स्ट है ये हमारा मोटुल का चेन क्लीनर। ये राइड के बीच में काफी कंपल्सरी चीज है जो आप लोगों को लेके जाना चाहिए क्योंकि बाइक का ख्याल रखना काफी इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक आप लोगों को ये वाला जो चीज है ये कैरी करना चाहिए। कोई भी ब्रांड का चेन क्लीनर आप लोग कैरी कर सकते हो बट हम लोग मोटुल का कैरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग लिए है चेन क्लीन करने के लिए ब्रश। हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रश था बट वो टूट गया था तो इसकी वजह से एक नया ब्रश हम लोग खरीद के लेके आए एंड दिस इज ऑल्सो यूजफुल। ये आप लोग को मार्केट में 100 रुपीज के बीच में मिल जाएगा, 90 to 100 रुपीज के बीच में। तो आप लोग आसानी से खरीद सकते हो एंड यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग एक चेन लूप भी कैरी कर रहे हैं। प्रीवियसली हम लोग मोटुल का चेन लूप कैरी करते हैं बट उसका क्वालिटी हमें अच्छा नहीं लगा। बट वाइडली यूज होने वाला जो चेन लूप है वो मोटुल ही है बट वो हम लोग को अच्छा नहीं लगा तो इसके वजह से हम लोग एक दूसरा चेन लूप मार्केट में मिल गया। ये ब्रांड का नेम है ऑटो स्मार्ट का, तो ये लोकल शॉप में ही हम लोग को मिल गया था एंड इसका क्वालिटी काफी अच्छा है। आप लोग अगर मिल रहा है तो आप लोग डेफिनेटली खरीद सकते हो। ये हमारा रेनकोट, अभी और मेरा दोनों का रेनकोट है। हम दोनों ही राइनोस का रेनकोट यूज करते हैं एंड मॉनसून में ये काफी अच्छा साथ देता है एंड हम लोग इस बार जहाँ जा रहे हैं तो आई होप अच्छा साथ देने वाले हैं तो इसीलिए हम लोग रेनकोट कैरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग कैरी कर रहे हैं बाइक का टूल। ये इसमें अंदर बहुत सारा चीज है। इसमें एक्चुअली एक WD-40 है, सारा क्लीन बाइक का सारा टूल किट है इसके अंदर एंड उसके साथ साथ टायर इन्फ्लुएटर भी है एंड इसके साथ साथ एक चेन लूप भी है एक्स्ट्रा। ये जो टायर इन्फ्लुएटर है हम लोग EMI का यूज करते हैं। ये भी हम लोग 2 साल पहले ही खरीदे थे एंड ये राइड के बीच में काफी अच्छा साथ देता है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी कैरी करना चाहिए। ये है दो राइनॉक्स का सॉक्स जो हम लोग रिसेंटली परचेस किए हैं बिकॉज हमारे पास जो नॉर्मल सॉक्स था वो उतना भी काम का नहीं है, मॉनसून में भी उतना काम में नहीं आया हम लोगों का एंड इस बार जहाँ पे एक्सट्रीम राइड हम लोग करने जा रहे हैं उधर तो बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। इसके वजह से हमने दो राइनॉक्स का वाटरप्रूफ सॉक्स खरीदे हैं। ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है एज पर द रिव्यू, अभी यूज करने के बाद ही पता चलेगा। और इधर आप लोग देख सकते हो ये है एयर सीट, ये मेरे लिए है एक्चुअली। हम लोग लास्ट टाइम पे KTM का जो रिव्यू दिए थे उस टाइम पे ये भी बोला था कि बैक सीट इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल फॉर पिलियंस, सो इसीलिए मैं ये जो एयर सीट है मैं यूज करती हूँ। ये है बीबीजी का, ये जब लॉन्ग राइड में जाती हूँ तभी यूज करती हूँ। इधर ये जो ड्राई बैग देख रहे हो ये ऑलिव कलर का जो इसमें
है हमारा कुकिंग सेटअप, क्योंकि ये राइड के बीच में हम लोग कैंपिंग भी करने वाले हैं। तो कुकिंग सेटअप जो है हमारा बेसिक सेटअप, जैसे हो गया स्टोव, गैस सिलेंडर, ये सब, ये जो बैग है इसके अंदर है, एंड कुछ बेसिक खाने का सामान, ये सब भी हमारे ये चीज़ ये ड्राई बैग के अंदर है। ये है मेडिकल किट एंड ये टॉयलेटरी है, एंड इसके साथ साथ हमने कैरी कर रहे हैं बेस लाइनर, बालाक्लावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर बाल को ठीक रखना है आप लोगों को तो डेफिनेटली आप लोगों को बालाक्लावा यूज़ करना है। इसके साथ साथ हम लोग विंटर राइड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम लोगों को विंटर जैकेट इज़ कंपलसरी। तो ये तो हमने डेकाथलॉन से लिया था, तो इसका तो डिटेल्स ब्लॉग है, ये आई बटन में आ रहा है, आप लोग डिटेल्स देख सकते हो इसका रिलेटेड। सो ये डेकाथलॉन से लिए थे हम लोग। इसके साथ साथ ये हमारा ड्रेस, सो ड्रेस दोनों का ड्रेस, ये जो बैग है इसके अंदर कॉम्पैक्ट आ गया, तो ये दो बैग को हम लोग कैरी कर रहे हैं। ये हमारा गैजेट्स का बैग, इसके अंदर गैजेट्स का जो एक्सेसरीज है सब कुछ ये ड्राई बैग के अंदर है। एंड ये बैग के अंदर हम लोगों का बहुत सारा चीज जाने वाले है, अभी तो ये एम्प्टी है, ये सब जितना सारा चीज देख रहे हो आप लोग सब इसके अंदर जाएगा। ये हम लोग ब्लैंकेट कैरी कर रहे हैं, दो ब्लैंकेट है इसके अंदर, एंड उसके साथ साथ ये है हमारा टेंट। एक्चुअली सरप्राइजिंगली इतना छोटा 2 पर्सन का टेंट है ये, जो हम लोगों को अमेजोन से मिला है, एंड इसके साथ साथ इसका स्टिक भी है इधर। एंड ये जो बैग है ये भी नया ऐड हो चुका है, ये मेरे लिए है एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा टाइप का बैग था नहीं, तो ये नया परचेज किया हमने, ये भी परचेज किया अमेजोन से। और एक चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ, ये कल ही आया एक्चुअली, ये एक नेट स्ट्रैप आप लोग देख सकते हो, ये सामान को खींच के बांधने में हेल्प करेगा, तो ये नेट स्ट्रैप है, ये 3 आया है हमारे पास, ये भी काम में आने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग कैरी कर रहे हैं सारा गैजेट्स, जिसके अंदर है हमारा ड्रोन, इधर DSLR है, ये GoPro है, ये हम लोग एक्चुअली पहले मॉडल ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते थे, अभी भी इसको ही यूज़ करेंगे। एंड इसके साथ साथ नया एडिशन भी हुआ है, वो है DJI का Osmo 4, जिसमें अभी शूट हो रहा है हमारा। एंड ये DJI Osmo 4 का बैटरी है, GoPro का बैटरी, एंड इसके साथ साथ माइक है एक्चुअली, डेड कैट है एक इधर, ये सब हम लोग कैरी करने वाले हैं। ये है हमारा लैपटॉप जिसमें एडिट करते हैं हम लोग, एंड आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करते हैं, तो ये तो लेके जाना कंपलसरी है, इसका चार्जर, माउस। इसके साथ साथ हम लोग कैरी करने वाले हैं हाइड्रेशन बैग, एंड हाइड्रेशन ये है ब्लडर एक्चुअली, एंड हाइड्रेशन बैग हम लोग नहीं लेते, हम लोग लेते डेकाथलॉन का एक बैग, जिसके अंदर आराम से ये हाइड्रेशन बैग फिट हो जाता है, तो ये भी हम लोग कैरी करने वाले हैं। GoPro वाटरप्रूफिंग करने के लिए ये हम लोग एक यूज़ करते हैं ब्लूटैक, ये GoPro वाटरप्रूफिंग के लिए यूज़ होता है, अगर कोई भी एक्शन कैमरा को वाटरप्रूफ करना चाहते हो आप लोग तो ब्लूटैक यूज़ कर सकते हो, ये आप लोग को अमेजोन से या लोकल शॉप में आराम से मिल जाएगा। ये हमारा दोनों का सनग्लास, एंड इसके साथ साथ हमने कैरी कर रहे हैं एक नया पावर बैंक, हमारे पास 2 पावर बैंक है ऑलरेडी EMI का, बट ये जो है ये काफ़ी स्मॉल है, हैंडी है, तो ये हमने रिसेंटली परचेस किया है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम Amazon से परचेस किया है हम लोगों ने। तो 3 पावर बैंक अभी है, एक 20,000 mAh का और 2 10,000 mAh का, ये जो पावर बैंक देख रहे हो ये 10,000 mAh का है। लास्ट में आता है ये कैंपिंग नाइफ। सो गाइस अभी बारी है पैकिंग का, ये जो सामान देख रहे हो नीचे में पड़ा हुआ है ये सब एक एक करके मैं पैक कर लूंगा पैनियर्स के अंदर, एंड राइनोस का जो एक्सपीडिशन बैग है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, जो लास्ट मोमेंट पैकिंग रहता है, जैसे चार्जर वगैरह हो गया और लास्ट मोमेंट में पैक करेंगे, तो ये सब सामान जो देख रहे हो बिखरा हुआ पड़ा है वो अभी जाएगा पैनियर्स के अंदर, तो दिखा देता हूँ कैसे हम लोग पैक करते हैं। सो ये है मेरा लेफ्ट साइड का पैनियर, बाइक का लेफ्ट साइड का जो पैनियर है ये है, ये जो है कुकिंग सेटअप, ये फटाफट मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ, चला गया कुकिंग सेटअप। ये जो चप्पल है चप्पल में नहीं दिखा है, चप्पल पैनियर्स के अंदर ही था, क्या चप्पल क्या दिखाना है, स्लीपर को क्या दिखाना है, इसके लिए अंदर ही रखा था। उसके साथ हम लोग क्या डालेंगे टेंट एंड जो हेवी सबसे हेवी है ये हमारा टूल बॉक्स। अभी देखो इतना ही गैप है, इतना गैप के अंदर टेंट को डालना है। टेंट की खासियत है ये वाला टेंट का काफी छोटा हो जाता है, ये देखो कॉम्पैक्ट आ गया इसके अंदर। इसके अंदर डालेंगे अभी हमारा प्लेट्स और रेनकोट, इसके अंदर दोनों का रेनकोट है। उसके पहले इसके अंदर डालेंगे ये 2 सामान को, चेन लूप एंड चेन क्लीनर।
अभी जो ये है राइट साइड वाला पैनियर, जहाँ पे एग्जॉस्ट रहता है वो साइड का पैनियर। इसके अंदर ऑलरेडी एक ट्राइपॉड है हमारा, ट्राइपॉड को थोड़ा निकालता हूँ एंड फटाफट इसके अंदर डालता हूँ। थोड़ा बहुत सामान आएगा जैसे चार्जर वगैरह, थोड़ा बहुत चार्जर है, अभी भी लैपटॉप का चार्जर डालना बाकी है क्योंकि अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हो इसको अभी एडिट करना है, उसके बाद लैपटॉप को लास्ट में डालना है इसके अंदर। तो अगर गैजेट्स, इसके अंदर एक स्पैनर भी है 16-17 का, पैनियर्स खोलने के लिए लगता है मुझे। ये जो है ब्लैंकेट इसके अंदर जाएगा अभी, एंड लैपटॉप, एंड लैपटॉप का चार्जर भी ये साइड में ही रहता है। एंड अभी आएंगे डायनॉक्स का एक्सपीडिशन जो बैग है उसके अंदर बाकी का सामान जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे हमारा ड्रेसेस एक हो गया, दोनों का ड्रेस देखो दो बैग के अंदर आ गया। अब इतना लंबा राइड में ड्रेस भी हम लोग लिए, कम्पैक्ट ड्रेस लिए। अभी क्यों इसके अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि बार बार हम लोग को होटल में लेके जाने के लिए एंड होटल से लेके आने के लिए इजी रहेगा। पैनियर्स में ट्राई करूंगा बार बार उतारने के लिए, खोलने के लिए उतारने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, इसके लिए ये वाला बहुत इजी टू फिक्स एंड इजी टू डिटैच है। राइनोस का जो एक्सपीडिशन बैग है इसके लिए बहुत इजी रहेगा। और उसके साथ साथ ये जाएगा टेन का जितना भी स्टिक है, ये एक्चुअली पैनियर्स से थोड़ा बड़ा है, इसके लिए पैनियर्स के अंदर नहीं जाएगा, तो ये बेस्ट है राइनोस का बैग के अंदर डाल देंगे। ये दो हमारा जैकेट्स -5 डिग्री, ये है पीलो, और ये तो हम लोग पहन के जाने वाले हैं तो ये इधर जाएगा। बस लगभग हो गया, ये भी हम लोग पहन के जाने वाले हैं, ये दो भी पहन के जाने वाले हैं तो ये भी इधर आ जाएगा। ये हो गया हमारा हाइड्रेशन बैग, और देखो इसके अंदर क्या मिला, ये डायरी, ये डायरी के बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ। और की सामान जो भी है सब इसके अंदर जाता है। दोनों का सनग्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो हमारा आँख जो है बर्न होने वाला है ये अगर यूज़ नहीं करेंगे। ये एक पावर बैंक मैं इसके अंदर डालूंगा एंड बाकी दो पावर बैंक पैनियर्स के अंदर है, एंड ब्लू टैग वगैरह, ये फोन वाटर प्रूफ कवर, ब्लू टैग भी इधर। ये मेरा पीठ पे रहेगा, और ये वाला जो देख रहे हो गैजेट का बैग, ये भी स्लीपर का पीठ में रहेगी। और ये जो देख रहे हो नेट, ये इधर काम में आएगा, इसको पूरा कवर हो जाएगा दो। एंड ये हमारा हेलमेट लॉक जो इधर रखता हूँ मैं अभी, ग्लव्स मेरा वो भी राइड में काम आएगा, ये बाइक में लग जाएगा। सो ऑलमोस्ट हो गया। ये जो लैपटॉप है बस ये पैनियर्स के अंदर जाने वाले, एंड फाइनली अभी टाइम आ चुका है हम लोग कहाँ जाने वाले, कहाँ से कहाँ जाने वाले, चलो आ जाओ। ये है हमारा प्लान, दिख रहा है कि नहीं, K2K। यस, इस बार हम लोग करने वाले हैं कन्याकुमारी टू कश्मीर। यहाँ पे है पूरा प्लानिंग, कितना से कितना किलोमीटर, कितना टाइम लगने वाला है, कहाँ पे रुकने वाला है, कहाँ पे कैंपिंग करने वाला है, सब ये डायरी के अंदर है। बहुत सारा प्लानिंग बहुत दिन से चल रहा है एक्चुअली। देखो कितना क्रॉस हुआ है, ये सब क्रॉस हुआ है, ये बनाया है, फिर ये क्रॉस हुआ, फिर फाइनली ये बनाया। अभी देखेंगे इसको कितना हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एंड पूरा डिटेल्स का प्लानिंग जो है मैं एक लाइव सेशन करूँगा राइड का बीच में, उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कहाँ से कैसे हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन इस बार हमारा राइड होने वाला है कन्याकुमारी टू कश्मीर, सिर्फ कन्याकुमारी टू कश्मीर ये सिर्फ राइड नहीं है, विंटर कश्मीर भी होने वाला है, तो समझ सकते हो काफ़ी लंबा राइड है ये, कुछ 15-20 दिन का राइड रहने वाला है, तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लोग भी हम लोगों के साथ बने रहो उसके साथ साथ। एंड धास वो एडवेंचर भी होने वाला है, एकदम एक्सट्रीम बोले तो एक्सट्रीम एडवेंचर होने वाला है ये राइड पे, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा एंड आप लोग एंजॉय भी करोगे। तो ये ब्लॉग को मैं ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, ये ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ। होप आप लोग को ये ब्लॉग थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग लॉन्ग राइड प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो जो सामान मैं दिखा है थोड़ा बहुत कैरी कर सकते हो, आप लोग का राइड प्रिपरेशन में भी हेल्प हो जाएगा। और अगर आप लोग कन्याकुमारी टू कश्मीर प्लान कर रहे हो कि कश्मीर टू कन्याकुमारी प्लान कर रहे हो, तो ये वाला ब्लॉग काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये ब्लॉग को हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, एंड आने वाला जो ब्लॉग है उसमें हम लोग रहेंगे
कन्याकुमारी टू कश्मीर का राइड का बीच में। तो आप लोग अगर प्लानिंग कर रहे हो इन फ्यूचर में कहाँ पे होटल रहने वाला हो, कितना पैसा का होटल है, सब कुछ सारा चीज हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो चलो मिलेंगे फिर एक नया लंबा धमाकेदार सीरीज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।